KGM Duke 200 लेना चाहिए या फिर MT15 version 2. Finally, just look at this out. Special thanks to my assistant for gifting me this. Check this out, okay? What is up, you beautiful people? This is Lignin here. Welcome back to the YouTube channel. Good evening, guys. Hope you're well and good time. After it's 3:52 in the evening, and I'm more than late. क्या ही बताऊँ, इतने दिन तक पूरा hectic गया ना भाई. कीज़े कोई था हम. आज थोड़ा बहुत मौका था, time मिल रहा है कि आप लोग से बात करूँ बोल के. सो अभी एक छोटा सा राइड प्लान किया है, इवनिंग राइड बोल के. लेट्स वेट फॉर माई फ्रेंड, आफ्टर डेट निकलेंगे. आज तो भाई रात में शूट करना पड़ेगा शायद से, बिकॉज टाइम अभी 3:52 हो चुका है, अभी तक लोकेशन पर पहुंचा नहीं. सो अपडेट करता हूं थोड़ी देर के बाद. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके गाइस, निकल चुके हैं इवनिंग राइड के लिए. एंड देख ही सकते होंगे पूरा काला पड़ चुका है. नॉट येट बट देन स्टिल यू गाइस कैन इमेजिन इट कि भाई वीडियो क्वालिटी कैसा परफॉर्म कर रहा है. एंड आज की इस राइड पे मी एंड माई फ्रेंड एंड टूम विद हिज ड्यूक 200. एंड हम भी सोच रहे हैं कि KTM ही खरीद लूँ या फिर MT15. एंड आज के इस व्लॉग पे आप लोगों को टास्क देता हूँ कि शैल आई बाय दिस KTM 200 BS6 और MT15 वर्जन 2. प्लीज डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स, ओके. अभी अगरतला की ट्रैफिक को झेलते हुए टाइम आप दे रहे 4:28 इन द इवनिंग, ऑलरेडी हाफ एन आवर बॉयस. शेट मैन, आज का दिन भाई इतना यूजलेस गया ना, क्या ही बोलो. एंड बाकी और राइडर्स आज राइड पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एवरी बॉडी हैज़ गॉट देयर ओन प्रॉब्लम, ओके. एज पर लास्ट मान है ना, सो पैसा वैसा का थोड़ा बहुत लफड़ा है. सो इसी कारण दे आर नॉट ज्वाइनिंग. एंड आई एम थिंकिंग दैट लोकेशन पर पहुँचने के बाद आई गेस आई एम गोना राइड द ड्यूक 200, ओके. सो देखते हैं आज का सीन कैसा रहता है एंड तबाही मचाएंगे भाई. हम दोनों होकर भी तबाही मचेंगे. एंड राइट साइड पर देख ही सकते हैं KTM कब बाइक्स. वाओ, नए RC आ गया शायद से, वो देखो कीजिए. वाओ ना गाइस, आप लोग से बात करते करते अब हम पहुंच चुके हैं रानी पुकुर के सामने. एंड भाई पीछे से इतना हॉर्न आ रहा है ना, क्या ही बोलो भाई, पूरा इरिटेट हो चुका हूँ. एंड आप लोग देख ही सकते होंगे भाई, इवनिंग के टाइम पे व्लॉग कर रहा हूँ. एंड लाइक बाप रे बाप, ये जिक्सर वाले भैया तो कुछ अलग ही नशा करके आए हैं शायद से, ओके. एंड वन बेड हैवी दैट यू गाइस कमेंट अबाउट मी. सिंगल बंदा ने कमेंट किया था कि या बोलने का. सो वो क्या ही बोलूँ भाई, थोड़ा बहुत बैड हैबिट हो चुका है. बिकॉज लाइक एवरी टाइम यूजिंग सेम व्हाट इन एवरी व्लॉग डजेंट मेक अ सेंस, बट क्या ही बोलूँ, फ्लो में निकल जाते हैं. सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ओके. इधर तो खतरनाक वाली थान लग चुके हैं भाई. मैंने सोचा नहीं था कि इधर बहुत इतना थान होगा, एंड इसीलिए मैंने लाइक स्वेटर वगैरह नहीं पहना ठंड को झेलते हुए एंड आप लोगों को व्लॉग दिखाते हुए, ओके. सो आप लोग मेरे कस्टमर्स को समझते हो तो एक लाइक बनता है ब्रो. एंड अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया दैन प्लीज़ मैंने कमेंट बॉक्स से आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो देखते हो. एंड किसे वाह बोल के पूरा स्पैम मार देना. एंड थोड़ा बहुत सजेशन देना कि KTM Duke 200 लेना चाहिए या फिर MT15 वर्जन 2. प्लीज़ गाइस, इट इज़ मैंडेटरी टू कमेंट, ओके. सो देख ही रहे हो तो एक बार कमेंट करने में किया जाता है भाई, ओके. सो अभी हम पहुंच चुके हैं इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन पार्क. समर सीजन के टाइम पे दिस इज द बेस्ट प्लेस टू चिल आउट. एंड आप लोग ने अभी तक मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो यू गाइस कैन चेक इट आउट, इट्स गिवन एंड आई बटन, थोड़ा बहुत चेक मार लेना, ओके. एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स, ओके. इफ यू गाइस आर सीइंग माय व्लॉग्स, मेक श्योर दैट आपकी दोस्त लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत मेरे वीडियो को शेयर मारना, ओके. आज कुछ खतरनाक ही इतना तो नहीं बट फेल रहा है हमारे ड्यूक 200 वाले भैया. सो अभी चलते हुए टी गार्डन की ओर, बिकॉज लोकेशन कहाँ ही बचा है कि आप लोगों को दिल्ली यूनिक सा लोकेशन करके दिखाऊं बोल के. सो इवनिंग राइड पे निकल रहा हूँ तो भाई और कौन सी जगह पर जाएंगे, वहीं पर ही जाना पड़ेगा फॉर द कंटेंट पर्पस. एंड कंटेंट बनाने के लिए भी जगह पूरा ख़त्म हो चुका है. सो क्या ही कर सकते हैं भाई, डेली लाइफ ऐसा करके दिखाना पड़ रहा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है. ओके गाइस, बाइक शिफ्ट हो चुकी है एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग ड्यूक 200 भाई. पावर पूरा रॉ पावर है यार,
देख ही सकते होंगे भाई साहब। सो अभी फोर्थ गियर में हूँ, सो देखते हैं थोड़ा बहुत खींच कर भी देखेंगे इसके साथ, ओके, बिकॉज मुझे लेना है, ओके। सीटिंग पोस्चर भाई इतना अच्छा लगना मुझे भाई साहब, क्या ही बोलूँ, जस्ट वाव यू नो, एंड जस्ट चारों तरफ पूरा कोरा ही कोरा, ओके वाओ। और ये देखो भाई लेफ्ट साइड में खड़ी हुई न्यू एमटी वर्जन 2 की से वाव ना, ओके। सो अभी ड्यूक 200 का थोड़ा बहुत मजा लूट रहा हूँ, एंड 250 चला लिया, 390 चला लिया, इवन 200 भी चला लिया, बट बिफोर बाइंग इट आई शुड टेस्ट इट, लाइक जो खाने को टेस्ट करते हैं ना वही तरीके से टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर बाइंग आई जस्ट डोंट वांट टू रिग्रेट, एंड भाई क्या मशीन है यार, क्या पावर है, एंड आफ्टर ऑल द मेन थिंग दैट आई लाइक इज द सीटिंग पोस्चर भाई, सीटिंग पोस्चर मुझे बहुत सही लगता है KTM का। सो अभी फिफ्थ गियर में हूँ एंड थोड़ा बहुत लाइक खींचेंगे, बट नॉट नाउ, अभी थोड़ा बहुत रुकते हैं लोकेशन पर, ओके। सो लेट्स टेक अ स्टॉप, आफ्टर डेट अपडेट करता हूँ। बहकी सभी जुबां हैं हम हैं। ओके गाइस, यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत लाइक सिनेमैटिक शॉट लिया, आप लोगों ने एंजॉय किया है तो लाइक करना मत भूलना, और नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, अभी थोड़ा बहुत खींच कर देखेंगे। वेट वेट नॉट हियर, ओके, बिकॉज इधर देख ही सकते हैं काउ वगैरह है, एंड इन इन फ्रंट डोमिनर आई गेस, यस डोमिनर ही है। सो यहाँ पर तान लेंगे एंड फिर चेक दिस आउट, ओके। भाई 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 नहीं होगा, बिकॉज देख ही सकते हैं कि पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड भाई गोरू घास खाई, गोरू घास खाई कीजे कोयता मार, नहीं होगा आज, बिकॉज अंधेरे भी हो चुके हैं, आफ्टर ऑल गोरू घास खाई सभी जगह पर, और क्या ही बोलूँ, ओके। अपडेट करता हूँ थोड़ी देर के बाद, टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। इवनिंग के लाइक 4 बजे को निकला था अगरतला से, और यहाँ पहुंचे पहुंचे पूरा कला पड़ चुका है, जितना भी हो सकता है आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड फॉर एकम्पनिंग विद मी इन दिस व्लॉग। कीजिए वाओ ना, ये देखो भाई अंधेरा हो चुका है, इतना अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, ओके। सो अभी इतना ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी चलते हैं घर, एंड रास्ते में कुछ दिखाने लायक चीज है तो आप लोगों को अपडेट करके दिखा दूंगा, एंड मेक श्योर दैट यू गाइस कमेंट डाउन बिलो कि 200 लेना चाहिए या फिर MT15 वर्जन 2। ओके गाइस, सो वहाँ से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं एक शोरूम पे, आई एम सो एक्साइटेड जस्ट बिकॉज मुझे एक गिफ्ट बोल के मिलने वाला है, एंड वो गिफ्ट रिलेटेड टू राइडिंग, सो यू गाइस कैन गेस इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। एंड आज ड्यूक 200 पे फुल रिव्यू मारने वाला था, बट क्या ही बताऊँ, थोड़ा बहुत टाइम की कमी हो गई थी, सो इसीलिए आप लोगों को करके नहीं दिखा पाया, एंड या राइट नाउ वी आर हेडिंग टू वर्ड द शोरूम, बट व्हिच शोरूम आई विल नॉट लेट यू नो नाउ, सो बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग आप लोगों को पता चल जाएगा, एंड व्हेयर इज आवर ब्रदर ज्वेल, भाई वो तो पेल कर निकल गया होगा, ओके। सो देखते हैं अभी उसको कैचअप कर पाता हूँ या नहीं, एंड दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं दिख रहा, ओके। आप लोग से बात करते करते अब हम पहुँच चुके हैं इन फ्रंट ऑफ ऑरेंज चौमनी, ओके। सो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं शोरूम, भाई और क्या ही बोलो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, एंड बाप रे बाप, रेड लाइट, ओके लेट मी वेट, येलो लाइट तो हो रहा है बट आई एम नॉट गोना ओवरटेक एनी मोर, एंड आई गेस ब्रदर ज्वेल तो पहुंच ही चुका होगा, बिकॉज इतने पहल कर आया ना वो, एंड टाइम अब देर इज 6:31 इन द इवनिंग, ओके। सो डायरेक्टली शोरूम पर मिलते हैं, टिल एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस व्लॉग गाइस, लेट्स एंटर, ओके। भाई साहब क्या सीन देखने को मिल रहा है भाई, मुझे लेना है राइडिंग जैकेट और पहले से ही ये बंदी, क्या ही बोलो भाई, आखिर गिफ्ट जो दे रहा है ना भाई खतरनाक, अभी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, एंड आफ्टर ट्राइंग आई विल जस्ट अपडेट यू, ओके ओके गाइस, फाइनली जस्ट लुक दिस आउट, ओके। सो फाइनल के इस कलर को एज वेल कैन सी, बट मुझे थोड़ा बहुत लाइक बड़ा बड़ा सा लग रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम सो थिन यू नो, सो और क्या ही बताएं, पूरा चंद्रकोला बाजार लग चुका हूँ, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई असिस्टेंट फॉर गिफ्टिंग मी दिस राइडिंग जैकेट, ओके। सो लेट्स नॉट टॉक टू मच, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले लेते हैं, एंड फिर डायरेक्टली घर पर मिलते हैं, एंड प्राइस वगैरह डायरेक्टली घर पहुँचने के बाद आप लोग को अपडेट करके दिखाऊंगा, टिल देन पीस। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल।
So this is the okra that I'm paying for Kombol Chandra Kola Bazaar. Okay guys, I hope आप लोगों ने इस ब्लॉग को enjoy किया होगा कि तो like करें बहुत बुला दे तो subscribe करें जो भी हो सकता है आप लोगों को दिखा दिया है writing jacket वगैरह खरीदे and अभी पूरा pocket खाली हो चुका है. Okay, just for you guys and for my safety purpose also and you 200 अभी थोड़ा बहुत like confirm हो चुका है लेने की तरफ बंद हो चुका है. सो या आप लोग की सपोर्ट चाहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब इट. सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में. थैंक यू फॉर लिसनिंग हियर. बाय बाय, टेक केयर, पीस.